फिल्म मधुमति में मुबारक बेगम का गाया हुआ एक गीत है जो मुजरा है। गीत के बोल हैं, हम हाले दिल सुनाएंगे, सुनिए कि ना सुनिए। ये गीत उस जमाने में बहुत मशहूर हुआ था और आज भी कभी कभी बज जाता है। लेकिन फिल्म में इस गीत का सिर्फ मुखड़ा ही इस्तेमाल किया गया था और इसकी वजह थी बिमल रॉय की रियलिस्टिक अप्रोच। दरअसल फिल्म में यह गीत उस सिचुएशन पर आता है जहां प्राण मुजरा देख रहे हैं और तभी दिलीप कुमार वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें पता चल चुका है कि मधुमति के गायब होने के पीछे प्राण का हाथ है और वो प्राण से जानना चाहते हैं कि मधुमति कहां है। और बिमल रॉय उस सीन को ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक बनाना चाहते थे। उनका लॉजिक ये था कि अगर फिल्म का हीरो इतना गुस्से से भरा हुआ वहां आएगा तो नाच और गाना खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा, वो तो सीधे सीधे डायरेक्ट पाउंस करेगा प्राण पे कि पूछेगा मधुमति कहां है। बिमल रॉय ये नहीं चाहते थे कि वो भी लकीर के फकीर बनकर हीरो को गाने में एंटर करवाएं और उसे गाना खत्म होने तक वहां इंतजार करवाएं। वो चाहते थे कि जैसे एक आम आदमी गुस्से में आएगा और गुस्से से भरा हुआ कन्फ्रंट करेगा प्राण को, वैसा ही होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने हीरो की एंट्री होते ही नाच गाना बीच में ही कट कर दिया और फिल्म में ये गीत अधूरा ही फिल्माया गया, अधूरा ही दिखाया गया। ये थे ग्रेट बिमलदा और ये थी उनकी रियलिस्टिक अप्रोच टू अ सिचुएशन, टू अ फिल्म। मैं प्यार कर रही हूं तेरी जुल्फ के साये में कुछ देर ठहर जाऊं, फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना के इस हिट गीत में गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।